चैनल पर, और एक पिछले मतलब 2 या 3 महीनों से मैंने आपको डेली का राशिफल नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया और काफ़ी डिमांड रही। मैं अभी वायदा तो आपसे नहीं करता कि मैं रेगुलर दे पाऊंगा, क्योंकि आप ऐसा ऐसा भी जानते हैं कि इस चैनल के अलावा और भी कई सारे चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो व्यस्तता के कारण मैं नहीं दे पाता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जब जब मौका मिलेगा और रेगुलरिटी लाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है और वीडियो को आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेष से लेकर मीन तक की बात होगी, 17 जनवरी 2020, पहला राशिफल डेली का। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों का कल का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कल कुछ थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल आप दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं सफलता के लिए आगे बढ़ने का जो प्रयास आपका है वो कहीं ना कहीं आपका है कि किस तरह से मैं सफलता पाऊँ। इसमें इमोशनल टच भी है और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल टच भी आपको देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो आप उसको टाल सकते हैं तो टाल लीजिए, या किसी बड़े बुजुर्ग की अगर आपको सलाह मिल जाए तो आप ले सकते हैं। प्यार के लिए दिन काफ़ी खास रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा कि थोड़ा सा भावात्मक रूप जो है वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ ऐसा ना करें जिससे बाद में दिक्कतें हों, इसलिए अभी अपने आप को थोड़ा सा सहज कर लें, सरल कर लें तो बेहतर रहेगा। नौकरी में जहाँ तक आपकी स्थिति है, वो थोड़ी सी सावधान आपको रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ कूटनीति से आपको कल अपना दिन बिताना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन सही तरीके से आप अपना निभा कर पाएंगे, और ऐसा कुछ लोग ज़िंदगी में हैं जो कहीं ना कहीं आपकी, सच मानूँ तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो गलती पर हैं, लेकिन इंसानी रवैया होता है साहब, उसको समझने का प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। जब सामने वाला आपकी बात को मानने को तैयार ना हो तो गलती करने दें, फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा किसी के पचड़ों में इन्वॉल्व मत होइए। स्वास्थ्य आपका कल ठीक रहेगा, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप भी आपके कल अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। किसी तरह की निराशा के भाव आपको नहीं रखने चाहिए। कल थोड़ा सा ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, थोड़े से बिजी रह सकते हैं, इसलिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लें। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज का दिन काफ़ी खास रहेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप काइंड नेचर आपकी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना जबरदस्ती की गलतियों में आपको नुक्स आपका निकालते रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नुक्स निकालने की आदत होती है ना किसी किसी में, वो कल आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रख के चलाएं, और अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा आप, मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य में जांच करा लें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। रिश्ते सकारात्मक रहेंगे और कहीं ना कहीं अगले स्तर पर ले जाने के लिए समय सही है। लव रिलेशनशिप आपके लिए कल ठीक रहेगी। नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज कल दस्तक दे सकती है, और वीकेंड में आपके इंटरव्यूज़ की बात चल सकती है। तो दिन काफ़ी बढ़िया है आपके लिए, बस किसी जो मैंने आपको सलाह दी है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और शेयर कर देना वीडियो तो बेहतर रहेगा। देखिए, सोच समझकर काम करना होगा, और जीवन में अपने आप को एक जिम्मेदार तरीके से आगे लेकर जाना होगा, और तय करना होगा कि कर्क राशि वालों की जो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है उसके अंदर कोई तरीके का बदलाव आप ना करें, नहीं तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं। आज का दिन विशेष रूप से आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको थोड़ा सा आपकी मानसिक शक्ति कल यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी। लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामे की स्थिति चल रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मान ना नुकुर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बनी हुई है कल, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने को प्रैक्टिकली रखें, अपने प्रयासों से आगे बढ़ें, दूसरों के कंधे पर विश्वास ज्यादा ना करें तो बेहतर आपके लिए कल का दिन होता हुआ दिखाई देगा। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आपका मूड हल्का फुल्का रहेगा, और कहीं ना कहीं हर खूबसूरत चीज आपको यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई देगी। कपड़े वैसे बहुत हैं आपके पास, तो ज्यादा खर्चा ना करें तो बेहतर रहेगा। घूमना फिरना अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी खर्चा ना करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत हो सकती है। आज कहीं ना कहीं सुंदरता के प्रति आपका जो लगाव है वो देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आज कोई आसपास अगर बीमार है तो उसकी देखभाल आपको करनी कल पड़ सकती है।
आज आप कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देंगे जो अपने मन की करेगा और कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेके जाने की जो इच्छा है आपकी वो आपको होती हुई दिखाई देगी। आज का दिन कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से आपको नए उपहार मिल सकते हैं। कैरियर में आपकी उच्च पद की जो बातचीत चल रही थी वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो सकती है। दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में ही कहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्या राशि, आज का दिन प्रतिभा दिखाने के लिए उपयुक्त है और कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिन आपके लिए सुखद हो सकते हैं। हालांकि फरवरी में आपकी राशि क्या कह रही है कन्या राशि वालों, उसका मैंने आज डाला था तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं अपनी राय को बदलने के लिए थोड़ा सा लोग मजबूत आपको करेंगे। एंड मुझे लगता है कि आपको अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहिए। पेट से रिलेटेड कोई तकलीफें आपको हो सकती हैं, तले भुने दंग फूट से जितना दूर रहें तो बेहतर रहेगा। और ये समझना होगा कि आपको एक लिमिटेशंस के साथ अपने प्यार का इजहार करना होगा और किसी की दखल अंदाजी आपको बर्दाश्त नहीं है, और कोई करेगा तो फिर यह आपके गुस्से का कल शिकार भी हो सकता है। सुनहरे अवसर कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में आने को तैयार हैं, बशर्ते आप दरवाज़ा खोलें। तो अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर रखें जिससे बेहतर आपको मिले। आने वाले समय के लिए कैरियर की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सजग और सरल रखें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, आईडी आपके सामने आ रही है। आज का दिन किसी बड़े सेमिनार में मेजबानी करने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं मनचाहे कार्यक्रमों में आप शिरकत ले सकते हैं और ड्रेसिंग सेंस कल कमाल की होगी, और कहीं ना कहीं जिससे आप अट्रैक्शन का केंद्र भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, शाकाहारी खाना खाएं तो बेहतर रहेगा। पेट से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होंगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कदम अभी लव रिलेशनशिप में ना लें तो बेहतर रहेगा। रिश्तों में खुलापन रखें और अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि स्थितियाँ कुछ ऐसे पिछले दिनों बनी है जिसमें कुछ अविश्वास की स्थिति बनी है आपके साथ। आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा समय बिताने की जरूरत रहेगी, और कहीं ना कहीं जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं उन्हें मेहनत का फल यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं सफलता और प्रशंसा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आप कहीं निवेश किए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर उसको वॉच रखें, हो सकता है जिसने आपको निवेश कराया है वो आपको धोखा दे दे, तो ध्यान रखें इस बात का। वृश्चिक राशि वालों, कहीं ना कहीं आरामदायक स्थिति है और कहीं ना कहीं कुछ गंभीर प्रयास आपने किए थे लेकिन अभी वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बैक टू द बेसिक होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा सीरियसनेस से कुछ काम बनेगा नहीं। आपको चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा और मोल्ड करें और अपनी सेहत पर थोड़ा सा और देखें कि क्या स्थिति चल रही है, और मानसिक शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाएं। आज का दिन आपको शारीरिक श्रम करने पड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं भागदौड़ आपकी हो सकती है। अगर आप नौकरी और कैरियर में अधिक से अधिक समय को बिताएंगे तो, और कहीं ना कहीं इससे प्यार की अनदेखी होती है, अपने साथी के साथ आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा समय बिताएं तो बेहतर रहेगा। काम ज़रूरी है, ये मैं समझ सकता हूँ, और सफलता के योग भी उस काम में बन रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर लव रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सकारात्मक एग्जाम परिणाम आपके आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारियां आपको कल प्राप्त हो सकती हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि, किस्मत चमकने का दिन है और कहीं ना कहीं सितारे आपके साथ हैं, और बिगड़ा हुआ काम भी कल बन सकता है अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को माइन्यूटली देखें तो। अगर आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाए, और अब 7:30 का भी आपका लास्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया जो चीज़ें खोई थी 5 सालों में वो मिलती हुई दिखाई देंगी। तो अब चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है उसको समेटो और आगे का देखो। वृश्चिक राशि वालों का ये था कि उनकी 7:30 24 तारीख को हट जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स उनकी लाइफ में नए नए होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके साथ भी अब चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखाई देंगी। अपने संबंधों में ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें तो बेहतर रहेगा, संबंधों को सरल तरह से चलाएं तो बेहतर रहेगा, और कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर कुछ नए होने की उम्मीद है, उसके लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तक कर पाएंगे। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे, घर पर कोई बीमार पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपको समय वहां पर निकालना होगा। अपने सहकर्मियों के साथ खुशी मिलेगी आपको और कहीं ना कहीं उनके साथ आप समय बिता पाएंगे। पिछले कई दिनों से प्रॉपर नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन कुछ स्पष्ट अनछिपी बातों के
को उजागर करने का और कुछ बातों को छिपाने के लिए उपयुक्त है। प्यार में थोड़ा सा ओतप्रोत जरूर है, लेकिन सावधानी भी आपको बरतने की जरूरत है। आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं या क्या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने आप को प्रूफ करने का समय आ चुका है, अपने आप को प्रूफ करके ही दिखाएं। कुंभ राशि वाले, पिछले किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है और व्यक्ति विशेष आपके जीवन में काफी हद तक मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सरलता आपका एक हथियार है, जिसके कारण आप किसी को भी अपना बना लेते हैं और कहीं ना कहीं इससे ही प्रगति के रास्ते भी खुलते हैं। सामान्यतः आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं और बोलते हैं, इस वजह से कई बार आप बुरे भी बन जाते हैं। आपकी जो तार्किक सोच है और आपका जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कमाल की है कल, और कहीं ना कहीं इससे आपको नए परियोजनाओं में दिक्कतें तो शुरुआत में होंगी, लेकिन आप कल कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आज कहीं ना कहीं आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिसने कभी आपसे मिलने की उम्मीद भी ना रखी हो, लेकिन आश्चर्य की बात यह रहेगी कि उसके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आज आप कार्य क्षेत्र में संबंधित कार्यों को करने में सरलता से कर पाएंगे और धन और कहीं ना कहीं जो वित्तीय समस्याएं होती हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि फिजूल खर्चों को थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप कंट्रोल करें तो बेहतर रहेगा। मीन राशि, इस बात की संभावना है कि अपने पुराने जो विचार हैं उनको आप नए तरीके से पेश करेंगे, लेकिन कैरियर में दिक्कत यह है कि आपके कोई विचार, आपके कोई आइडिया, कोई आपकी प्रोग्रेस उसको कोई चुरा कर अपने नाम से भी लगा सकता है। तो भैया देख लेना, ध्यान रख लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसलिए आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है और आपने क्या सोच रखा है इस बारे में भी किसी के साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। देखिए, एक्सरसाइज करना लाइफ का एक पार्ट है, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा और एनर्जेटिक बनाइए। और लंबे समय से अगर आप जिम नहीं गए हैं तो जिम जाइए और अपने आप को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लेकर चलें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। संबंधों में प्यार मिलेगा और ये सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आप भी देंगे उसको प्यार। तो कल रेसिप्रोकल जो चीज़ें होती हैं, तू दे मैं भी दूंगा, वो वाली बात चलेगी और प्यार के लिए ये समय कल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अप्रत्याशित जो डिमांड्स हैं वो उससे परेशानी आपको रह सकती है। घर में जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको दे सकती हैं। अनदेखी करना सही नहीं रहेगा, तो समझाने का प्रयास करें बेहतर रहेगा और जितना हो सके फिजूल खर्ची से बचें। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा एनालिसिस। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके। 9411848508 भैया व्हाट्सएप का नंबर है, कॉलिंग का नंबर नहीं है, ध्यान रखो। और एनालिसिस पेड रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट्स को देखो, मेरी मेल आईडी है pattangarabi2411@gmail.com। जो भी दिक्कत है आप उसमें मेल कर सकते हो। एंड सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। टेलीग्राम पर भी हूँ मैं और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने आपको दे रखा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगेन आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाता हूँ डेली राशिफल की, लेकिन प्रयास रहेगा भैया कि मैं आपको रोज़ दे पाऊँ। शेयर कीजिएगा वीडियो को।